हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जैसे ब्लाउज़ की फ़िटिंग जो है वो कैसे करनी है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, यहाँ पे हमने स्लीव्स को ज्वाइन किया है। इससे पहले वीडियो में दोनों साइड की स्लीव जो है वो कैसे ज्वाइन करनी है ये मैंने आपको बताया था। अभी इस वीडियो में मैं आपको फ़िटिंग कैसे करनी है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। अब देखिए, जब भी हम फिटिंग करते हैं तो आपको पहले चेक करना है। तो यहाँ पर हमारी जो इस साइड में ये जो फिटिंग है हमारी कमर तक और स्लीव्स तक आपको पहले चेक करना है। तो ये एकदम परफेक्ट है और उसके बाद हमें स्लीव्स को चेक करना है, ये भी एकदम परफेक्ट है। अब देखिए, यहाँ पे आपको इस तरह से इसको रखना है। रखने के बाद पहले तो हमें बैक साइड का जो सेंटर है वो पहले निकालना है। पहले हम बैक साइड का सेंटर निकालते हैं। यहाँ पे बैक साइड पे हमें एक निशान लगाना है। ये देखिए, बैक साइड के ऊपर हमें एक निशान लगाना है। निशान लगाने से इससे क्या हो जाता है, ये हमारी फिटिंग जो है एकदम परफेक्ट आती है। अब देखिए, यहाँ पे हमारी हुक की साइड है। अब ये हुक की साइड जो है इसे हमें ये फिटिंग के ऊपर इस तरह से रखना है। ये जो सेंटर है हमारा, सेंटर के ऊपर रखना है और यहाँ पे आपको इस तरह से इसे बाहर के साइड में निकालना है। ये देखिए, यहाँ पे हमें बाहर के साइड में हमें इसे निकालना है और थोड़ा सा क्वार्टर इंच का थोड़ा सा फर्क होगा तो इसे हमें इस तरह से इसको कट करना है। ये देखिए, यहाँ पे हमें इसको कट करना है। अभी कट करने के बाद यहाँ पे हमने सेंटर में रखा है तो एकदम परफेक्ट हो गई। इसे हमें इस तरह से लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें स्लीव्स जो हैं, स्लीव्स का हाफ हमें लेना है। अभी स्लीव्स का हाफ लेंगे तो इससे पहले हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे साइड में किनारे पे एक सिलाई लगानी है। तो पहले हम किनारे पे सिलाई लगाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमें इस तरह से इसे लेना है और यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा जो है उसको हम कट कर लेते हैं। अब दूसरे साइड में, दूसरी जो साइड है तो इसे हमें क्या करना है, जैसे ये हमारा सेंटर है तो यहाँ पे हमारी हुक की पट्टी थी तो यहाँ पे हमने सेंटर पे रखी थी। अब इसके आगे हमें ये आई की पट्टी लगानी है। ये देखिए, यहाँ पे हमें इसके आगे रखनी है। ये जो सेंटर है हमारा, तो सेंटर के आगे हमारी आई की पट्टी आती है। सेंटर के आगे हमारी आई की पट्टी आती है तो इसे हमें इस तरह से रखना है। और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता होगा तो इसे हमें हल्का सा इसे कट करना है। ये देखिए, क्वार्टर इंच भी नहीं है, एकदम कम है। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो हो जाता है तो इसे हमें कट करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें किनारे पे ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ से यहाँ तक हम किनारे पे सिलाई लगाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको इस तरह से इसको एक्स्ट्रा जो है उसको हमें कट करना है। अभी एक्स्ट्रा जो था उसको हमने कट किया है। अब कट करने के बाद ब्लाउज को हम उल्टा कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें ब्लाउज को हमने उल्टा किया है। उल्टा करने के बाद यहाँ से यहाँ तक हमें 6.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है जो हमारा स्लीव्स का बॉटम है।
6.5 इंच, यहाँ पे हमें चेस्ट का नाप लेना है। तो ये जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है, एक्स्ट्रा पट्टी को छोड़ के हम चेस्ट का नाप निकालेंगे। 9.5 इंच हमारा चेस्ट का 1/4 आता है और यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पट्टी को छोड़ के 8.5 इंच पे हमें कमर का 1/4 लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हमारी सीधी लाइन आती है, तो ये जब हमारी सीधी सिलाई आती है तब हमारी जो फिटिंग है वो परफेक्ट आती है। तब देखिए यहाँ पे हम इस तरह से इसको ऊपर सीधी सिलाई लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी हमें इसके साइड में एक सिलाई लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने ये सीधी सिलाई लगाई है, दूसरे साइड में भी हमें इसी तरह से करना है। ये देखिए यहाँ पे हमें इसे इस तरह से लेना है, लेने के बाद यहाँ पे हम कमर का 1/4 नाप लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हमारी हुक की पट्टी है, हुक की पट्टी को हमें अंदर के साइड में फोल्ड किया है, तो इसका नाप जो है यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पे हमें 8.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है, 8.5 इंच पे यहाँ पे हमें इस तरह से लेना है। ब्लाउज को हम पक्का कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम चेस्ट का 1/4 लेते हैं, 9.5 इंच पे हमारा चेस्ट का नाप लेना है। और इसके ऊपर हमें ये सिलाई लगाते हैं। अब देखिए यहां से यहां तक हमें 6.5 इंच का बॉटम लेना है। अब देखिए इसे हमें सीधा करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये ब्लाउज की जो फिटिंग है वो आपको करके दिखाई है। इस तरीके से आप ब्लाउज की फिटिंग कर सकते हैं। ब्लाउज की फिटिंग जो है बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन आपको अच्छे से करेंगे या मेजरमेंट के साथ करोगे तो आपकी ब्लाउज जो है वो खराब भी नहीं होगा और आपकी फिटिंग जो है वो भी परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे मैंने जैसे हमारी ब्लाउज जो है ब्लाउज की सीधी सिलाई आती है तो हमारा ब्लाउज जो है वो परफेक्ट आता है। तो ब्लाउज की कभी भी फिटिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे तिरछी फिर इस तरह से तिरछी आएगी तो आपका ये ब्लाउज जो है फिटिंग में गलत आएगा। तो इस तरीके से आपकी सीधी सिलाई जब आती है तो हमारा ब्लाउज जो है एकदम परफेक्ट बैठता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। जब जैसे मैंने कटिंग भी बताई है, अलग अलग पार्ट की मैंने स्टिचिंग बताई है, ताकि एक ही वीडियो में एक पार्ट जो है मैं अच्छे से समझा सकूं, इसलिए मैंने अलग अलग पार्ट करके इसकी जो फिटिंग या गले की पाइपिंग या फ्रंट साइड कैसे करनी है, बैक साइड का नेक कैसे लगाना है या स्लीव्स को कैसे ज्वाइन करते हैं, क्या हो जाता है, जो वो छोटी छोटी बातें होती है तो ये हम क्लियर नहीं कर सकते। पूरा सिल ब्लाउज सिलने पर कैसा हो जाता है, जैसे यहाँ पे पाइपिंग लगा लो, यहाँ पे हुक और आई की पट्टी लगा लो, तो ठीक से समझाने में वो टाइम जो है वो कम पड़ता है। इसीलिए मैं अलग अलग पार्ट करके मैं आपको समझाती हूँ। तो आप पूरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसकी सब
नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ की पूरी स्टिचिंग जो है वो मैंने आपको दिखाई है, अलग अलग पार्ट करके मैंने आपको समझाई है। जो भी आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, अस्तर के ब्लाउज़ की कटिंग भी मैंने अपलोड की हुई है, तो कटिंग में या स्टिचिंग में जो भी आपको प्रॉब्लम आएगा, जो भी आपको समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बना के फिर से आपको समझाऊंगी किस कैसे और क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको इसकी स्टिचिंग भी बताई है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।